घर गया नीम का थाना में, और वो आदमी उससे पहले ही रोड के ऊपर खड़ा था। वो चाह रहा था कि उसका असली चेहरा वहां के लोगों को पता न चले, खूब लोगों को ठग चुका था वो। मैं उस आदमी को मैंने कहा क्या बात है, बोले मंत्री जी आपके अपने भाई चल के बात कर लेंगे, ककराना का साथ उसको गब्बर सिंह उसका बोलने में ना हो, वैसे उसका नाम दुर्गा सिंह है। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया, उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था, पहले से टूटा हुआ था, पहले से बांध रखा था उसने, पता नहीं और किसी ने किसने तोड़ दिया मुझे पता नहीं। वो मेरे साथ आ गया, मैंने कभी पैसे दे दे इसके, उसके भाई को बुलाया, उसके गांव के लोगों को बुलाया, बोले नहीं है। मैंने मेरे पास से 384,000 रुपए देकर महिला को भिजवाया। उसके बाद ताली बजाने की बात नहीं, मेरे मुकदमे लग गया मेरे मुकदमे लग गया, मंत्री ने अपहरण कर लिया, उसके साथ मारपीट कर ली। कई बार आदमी के साथ ऐसा रास्ता खड़ा हो जाता है कि आदमी जाए करे तो क्या करे। उस महिला उसकी दो बेटियों की शादी और उनकी दो बेटियों और यह स्थिति थी कि वो मेरे पास 4 बार आ चुकी थी। अब हम क्या करते, सच बात है कि तो ऐसे जब मुकदमे लग जाए चाहे जेल चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करने में एक खुशी मिलती है, हमारा कर्म है, ये हमें करना चाहिए। देखिए बेटी सौभाग्य होती है घर का। आज का जो जमाना है वो ताकत से ज्यादा पेशेंस का है, पेशेंस का। और पेशेंस बॉयज से ज्यादा गर्ल्स में होता है, मैन से ज्यादा वुमेन में होता है, मेल से ज्यादा फीमेल में होता है पेशेंस। और पेशेंस का युग है ये। इसमें हमारी आज के टाइम में मैं बताना चाह रहा हूं, किसी भी दृष्टि से हमारे यशपाल जी कह रहे थे बाहर, बोले बच्चों में तो कार्यक्रम देख रहे थे, हमारा जिला तो हम बेटियों की पढ़ाई तो राजस्थान में अव्वल है, झुंझुनू जिला राजस्थान में बेटियों की एजुकेशन में, लड़कियों की एजुकेशन में राजस्थान में हम नंबर वन है, नंबर वन। यहां पर बेटियों के ऊपर प्राउड किया जाता है। अभी यशपाल जी कह रहे थे मेरी 3 बेटियां हैं, पहले मुझे लगता था मेरे बेटा नहीं है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता मेरी बेटियों को देखता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे बेटे को तो सारे लोग जानते हैं।